दोस्तों, धरती पर आज जितने जीव दिखते हैं, आज से हजारों करोड़ों साल पहले उससे ज्यादा जीव रहा करते थे। ये जीव इतने विशाल और इतने खतरनाक थे कि आज के शेर और बाघ इनके सामने भीगी बिल्ली है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर एक पर है मेगालोडन। मेगालोडन या मेग एक विशाल प्रागैतिहासिक शार्क थी जो पृथ्वी पर अब तक रहने वाली सबसे क्रूर शिकारी मानी जाती है। 60 फीट तक लंबी और 50 टन से अधिक वजनी मेग समुद्र में घूमने वाले सबसे बड़े जीवों में से एक थी। मियोसीन और प्लियोसीन युगों के दौरान मेगालोडन समुद्र का शैतान था जो व्हेल, डॉल्फिन और सील सहित कई अन्य समुद्री जीवों का शिकार करता था। विशाल प्रागैतिहासिक शार्क मेगालोडन 3.6 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गई थी। नंबर दो पर है टायरानोसॉरस रेक्स। टायरानोसॉरस रेक्स, जिसे बस टी रेक्स के नाम से जाना जाता है, क्रेटेशियस काल के अंत में रहने वाले सबसे बड़े और सबसे घातक मांसाहारी डायनासोर में से एक था। यह एक विशाल शिकारी था जिसका वजन 6.8 मीट्रिक टन तक और लंबाई 12 मीटर तक थी। अपने विशाल आकार के बावजूद टी रेक्स अपने पैरों पर असंभव रूप से तेज था और उसका काटने का बल हड्डियों को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त था। आकार, गति और ताकत के इस संयोजन ने टी रेक्स को एक शीर्ष शिकारी बना दिया। यह विशाल डायनासोर 65 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गया था। नंबर तीन पर है स्मिलोडोन। स्माइलोडन, जिसे कृपाण दांतेदार बाघ के रूप में भी जाना जाता है, यह एक बड़ी शिकारी बिल्ली थी जो प्लेस्टोसिन युग के दौरान उत्तर और दक्षिण अमेरिका में घूमती थी। इसकी विशेषता एक लंबा कैनाइन दांत और शक्तिशाली जबड़ा था जिसका उपयोग घोड़ों, बाइसन और यहां तक कि मैमथ जैसे बड़े शिकार को मारने के लिए किया जाता था। यह सबसे प्रसिद्ध विलुप्त स्तनधारियों में से एक है। अपनी समानता के बावजूद स्माइलोडन बाघों और आधुनिक बिल्लियों से संबंधित नहीं था। इसके बड़े आकार और भयंकर शिकार शैली ने स्माइलोडन को अपने समय के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक बना दिया। यह जानवर लगभग 10,000 साल पहले विलुप्त हो गया था। नंबर चार पर है टेराटोर्निस। टेराटोर्निस एक विशाल शिकारी पक्षी था जिसके पंखों का फैलाव 20 फीट तक था। प्लेस्टोसिन युग के दौरान अमेरिका में पाया जाने वाला यह विशाल पक्षी एक प्रभावशाली दृश्य था और अपने विशाल पंखों के फैलाव के साथ यह बड़े स्तनधारियों का शिकार करने में सक्षम रहा होगा। प्लेस्टोसिन युग के अंत में लगभग 10,000 साल पहले यह विशाल पक्षी विलुप्त हो गया। नंबर पांच पर है क्वेटाजालकोटलस। क्वेटाजालकोटलस एक बड़ा टेरोसॉर था जो लेट क्रेटेशियस काल में रहता था। एजडार्चिडे परिवार के उन्नत दंतहीन टेरोसॉर, जिसमें क्वेटाजालकोटलस शामिल हैं, इसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी और सख्त थी। यह टेरोसॉर उड़ने वाले अब तक के सबसे बड़े जानवरों में से एक माना जाता है। अनुमान है कि इसके पंखों का फैलाव 10-11 मीटर तक था। इससे उन्हें उन क्षेत्रों में भोजन करने की अनुमति मिली जहां उनके समकालीन नहीं पहुंच सकते थे, जबकि उनके बड़े पंखों ने उन्हें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च किए बिना लंबी दूरी तय करने में सक्षम बनाया। यह जानवर लगभग 65 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गया था। नंबर छह पर है डंक्लियोस्टियस। डंक्लियोस्टियस एक विशाल बख्तरबंद मछली थी जो डेवोनियन काल में रहती थी। माना जाता है कि यह अपने समय का पहला सच्चा शिकारी था। डंक्लियोस्टियस की लंबाई 8 मीटर से अधिक थी और इसका जबड़ा अविश्वसनीय रूप से मजबूत था जो गोले और हड्डियों को कुचलने में सक्षम था। यह अपने समय का सबसे बड़ा कशेरुकी था। बख्तरबंद शीर्ष शिकारी 368 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गया था। नंबर सात पर है टाइटेनोबोआ। टाइटेनोबोआ एक विशालकाय सांप था जो पैलियोसीन युग के दौरान दक्षिण अमेरिका में रहता था और अब तक खोजा गया सबसे बड़ा सांप था। इस सांप की लंबाई 50 फीट तक थी और इसका वजन 2,500 पाउंड से अधिक था। यह विशालकाय शिकारी 60 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गया था। नंबर आठ पर है सरकोसुचस। सरकोसुचस मगरमच्छ का एक विशाल प्रागैतिहासिक रिश्तेदार था जो लगभग 112 मिलियन वर्ष पहले रहता था। यह एक विशाल सरीसृप था जिसकी औसत लंबाई 10 से 11 मीटर थी। इसका वजन 8 टन तक था और इसके दांत उस तरह की तरह तीखे थे। सरकोसुचस एक दुर्जेय प्राणी था, न केवल अपने आकार और शक्ति के कारण बल्कि अपनी उल्लेखनीय अनुकूलन क्षमता के कारण भी। यह कई बड़े जानवरों का दुश्मन था। यह विशाल सरीसृप 10 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया था।
नंबर 9 पर है हेलिकोप्रियन। हेलिकोप्रियन एक प्राचीन शिकारी था जिसके जबड़े घातक थे और जो प्रारंभिक परमियन काल से लेकर प्रारंभिक ट्राइसिक काल तक रहता था। ऐसा माना जाता है कि इसका जबड़ा घुमावदार सर्पिल आकार का था जिसमें कई सौ दांत थे जो 3 मीटर तक की लंबाई तक पहुंच सकते थे। नंबर 10 पर है डायनोनिकस। डायनोनिकस एक बड़ा तेज गति वाला डायनासोर था जिसके पैरों पर बड़े तीखे पंजे थे। यह एक प्रभावशाली शिकारी था जिसकी लंबाई लगभग 3.4 मीटर थी। इसके पंजे संभवतः अपने शिकार को पकड़ने और फाड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जबकि इसका आकार और गति इसे बड़े जानवरों का शिकार करने में सक्षम बनाती थी। डायनोनिकस का मस्तिष्क असामान्य रूप से बड़ा था, जो यह दर्शाता है कि यह अत्यधिक बुद्धिमान और अनुकूलनशील था। विशेषताओं के इस संयोजन ने डायनोनिकस को एक प्रभावशाली और दुर्जेय शिकारी बना दिया, जिसने इसे अपने समय के पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी। यह दुर्जेय शिकारी लगभग 115 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।